केंद्र सरकार ने आम बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार ब्याज दर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी। बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस में यहां पर छूट की बात चल रही है कि सरकार कितना छूट देगी। पहले वो 2 लाख ब्याज में छूट देती थी, अब वो बढ़ा रही है, बढ़ा चुकी है। बेसिकली ये घटना है बजट 2019 और 20 की। बजट 2019-20 कब पेश किया गया? 5 जुलाई को पेश किया गया, 5 जुलाई 2019 को। कारण कि चुनाव के चलते इस बार बजट फरवरी में जो आया था वो टेम्परेरी था, अंतरिम बजट था। फुल बजट ये रहा 19-20 का, जुलाई में आया और इसे प्रस्तुत किया देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण। ये पहले भारत की रक्षा मंत्री हुआ करती थी, अब नई सरकार में इन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार मिला है। ये भारत की दूसरी महिला जो है शिक्षा वित्त मंत्री हैं, लेकिन पहली महिला स्वतंत्र वित्त मंत्री हैं। कारण कि इसके पहले इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का चार्ज अपने हाथ में रखी थी। तो ये स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। इन्होंने क्या किया है, 2 लाख की कर सीमा को बढ़ा करके 3.5 लाख कर दिया है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था और बजट राहुल सर से पढ़ा था, उन लोगों का क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन राहुल सर ने बताया है। अगला सवाल, आम बजट 2019-20 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया? हाउ मच वारंटी हैज बीन डन फॉर द डिफेंस सेक्टर इन द जनरल बजट 2019-20? 3.19 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ या 1.19 लाख करोड़। ठीक, इस बार रक्षा बजट के दिन ब दिन भारत का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। कारण कि भारत वर्तमान समय में पूरी दुनिया से सर्वाधिक हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। तो भारत का रक्षा बजट बढ़ा करके कर दिया गया है 3.19 लाख करोड़। क्लियर? तो ये इसका आंसर होगा ए, 3.19 लाख करोड़। तीसरे सवाल पे आ जाइए, ये रहा तीसरा सवाल, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है जिन्होंने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो पहले तो हम पहली महिला आईपीएस अधिकारी की बात कर ले। पहली महिला आईपीएस अधिकारी आपके यहां कौन बना? पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही आपकी किरण बेदी। ठीक, नाम तो सबने सुना होगा, वर्तमान समय में ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल है। किरण बेदी बनी आपकी पहली महिला आईपीएस। यहां पर लेकिन क्वेश्चन क्या है कि पहली महिला आईपीएस जिन्होंने अमेरिका की ऊंची चोटी, मतलब ये पर्वतारोही भी हैं, तो आईएएस के साथ साथ आईपीएस के साथ साथ हो सकता है आईएएस के बारे में भी सवाल पूछ दे। तो अन्ना राजम मल्होत्रा, क्या पहली महिला आईएएस की अगर बारे में सवाल पूछ दे तो अन्ना राजम मल्होत्रा, मल्होत्रा ये आपकी पहली महिला आईएएस थी, भारत की पहली महिला आईपीएस रही हैं ये। लेकिन ये पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला, डेनाली चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला आईपीएस कौन रही, कौन बताएगा? यहां पर आपको क्या आंसर मिलने वाला है? जी हां, अपर्णा कुमारी। कौन? अपर्णा कुमारी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा पंजाब सरकार की सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत 43.18 लाख परिवारों को कितने रुपए प्रति परिवार की दर से बीमा सुविधा मुहैया कराई जाएगी? ये बीमा की घोषणा की गई है यहां के पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 2019 में। इनका कहना था
कि 1 जुलाई से यह योजना पंजाब राज्य में लागू होगी। ये सेम उसी पैटर्न में चलाई गई है जैसे कि प्रधानमंत्री ने आयुष योजना चलाई है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, 5 लाख रुपए वार्षिक का जो है बीमा किया है, 5 लाख रुपए कि 5 लाख रुपए सरकार देगी किसके तहत, सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट छठा सवाल ये है कि किस बैंक का संचालन आरटीआई तथा सीवीसी के निर्देशानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया है। भाई बैंक पर अगर प्रशासनिक अधिकारी सीवीसी के तौर पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है और आरटीआई के अंडर में डाला गया है तो नो डाउट बैंक बहुत खतरनाक होगी। और वो बैंक है आपकी जम्मू एवं कश्मीर बैंक। कारण कि जम्मू एवं कश्मीर बैंक को तमाम वित्तीय अनियमितताओं के तहत इसके ऊपर एक वॉच टैग बनाया गया है जो आरटीआई भी होगा और सीवीसी भी होगा। क्लियर, अगला सवाल ये रहा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वैश्विक शक्तियों के साथ किए गए परमाणु समझौते के तहत की गई संवर्धित यूरेनियम भंडार की सीमा तोड़ दी। भाई 2015 में यह समझौता हुआ था कि कोई भी देश एक निश्चित सीमा से ज्यादा यूरेनियम को संवर्धित नहीं करेगा और यह समझौता 2019 में टूट गया। इस समझौते को तोड़ने वाला देश है आपका ईरान और इसी के चलते 2019 में उसने कहा कि वो 3.7% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित करेगा कारण कि वह न्यूक्लियर वेपन बनाने के चरण में आगे बढ़ना चाहता है तो इसी की वजह से ईरान पर प्रतिबंध लगे। तो आपका आंसर होगा ईरान। आज का सेशन करंट से रिलेटेड सवालों का है, करंट के वो सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी बना। यस, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि वो व्यक्ति भारत का खिलाड़ी नहीं है तो दो विकल्प तो बिल्कुल ही यहां से निकल जाएंगे, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या। अब बचे साकिब अल हसन, मोहम्मद फैज। तो इनमें से बांग्लादेशी क्रिकेटर साकिब अल हसन वो व्यक्ति हैं, ये कहां के खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इनके पास ये रिकॉर्ड रहा कि इन्होंने 500 रन भी बनाए विश्व कप में और 10 विकेट भी लिए क्योंकि इनकी हैसियत ऑलराउंडर की है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति चंबा सेक्रेट लंगूर, मतलब चंबा का पवित्र लंगूर, क्या कहा जाता है इसे, पवित्र लंगूर कहा जाता है। ये पवित्र लंगूर कहां पर फिर से पाया जा रहा है, तो बेसिकली चंबा जहां होगा वहीं पाया जाएगा। इस लंगूर की खोज के बारे में बता दें, इस लंगूर के बारे में कोई नहीं जानता था, 1928 में इस लंगूर के बारे में पहली बार पता चला, उसके बाद यह लंगूर देखा नहीं गया लेकिन फिर से इसके बारे में जो है हिमाचल प्रदेश में पता चला है कि इस लंगूर की उपस्थिति हिमाचल प्रदेश में पाई गई है। ओके फ्रेंड्स, आते हम लोग अपने अगले सवाल पे। ये रहा बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज कहां की गई, दमदमा गांव, जमालपुर गांव, इसबपुर गांव, शेरपुर गांव। ये खनिज ये जो है नई खदान सन 2019 में खोदी गई है और ये खोदी गई है इसबपुर गांव में। कहां पर खोजी गई है, इसबपुर गांव में खोजी गई है, बांग्लादेश का इसबपुर गांव। आगे चलते हैं, जून 2019 में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के देश मेरिटानिया में विगत 60 वर्षों में पहली बार चुनाव कराया गया, मतलब यहां लोकतंत्र बहाल नहीं था। कहां का देश है ये, पश्चिमी अफ्रीका का देश है। इस देश ने लगभग 60 वर्ष पूर्व आगे देश से स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो किस देश से ये अलग स्वतंत्रता प्राप्त किया 60 साल पहले। दसवां सवाल, ये स्वतंत्रता प्राप्त किया है फ्रांस से, ये फ्रांस के अंडर में था, फ्रांसीसी उपनिवेश था और जो मारिटानिया अफ्रीका के पश्चिमी भाग में छोटा सा देश है तो इसने
फ्रांस से 60 साल पहले शुद्धता प्राप्त की थी। निम्न में से किसे हाल ही में आरबीआई का पुनः डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? यस, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, गवर्नर के बारे में सब जानते होंगे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। यहां पर डिप्टी गवर्नर इशू है, डिप्टी गवर्नर अभी बनाया गया है क्योंकि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर होता है टोटल, उसके निदेशक मंडल में 20 सदस्य होते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई, भारत का केंद्रीय बैंक है, यह सब कुछ आप जानते होंगे। एस विश्वनाथन को बनाया गया है यहां का 4th डिप्टी गवर्नर। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां सवाल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, 12वां सवाल है ये, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में किस परियोजना के निर्माण की अवधि 2 वर्ष आगे बढ़ा दी? कौन सी परियोजना है भाई? पोलावरम बहुद्देशीय परियोजना, वाटर टैक्सी परियोजना, दोयांग जल विद्युत परियोजना या कोपिली जल परियोजना? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहां पर सबसे बेहतरीन उत्तर आपका है वो है पोलावरम बहुउद्देशी परियोजना। यह बहुउद्देशी परियोजना है, इससे 2 काम किया जाएगा, एक तो सिंचाई के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी और दूसरा विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। और ये कहां पर है? ये पोलावरम जल विद्युत परियोजना कहां पर है बहुउद्देशी? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका 13वां सवाल है, आईसीसी ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वन डे ऑफ चिल्ड्रन नामक अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया? वन डे ऑफ चिल्ड्रन, एक दिन बच्चों का, बेसिकली बच्चों को सेव करने के लिए, यह एक विशेष बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक अभियान था। वर्ल्ड कप 2019 में यह अभियान किस संस्था के साथ जो है कोलाइड करके चलाया गया? तो 13वें नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों को लेकर के सेंसिटिव रहने वाली संस्था है, बाल अधिकारों बाल संरक्षण के बारे में ये संस्था बनाई गई है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसने वर्ल्ड कप 2019 के साथ टाइप किया था। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कितने व्यक्ति बलात् विस्थापन के शिकार हुए? बलात् विस्थापन का मतलब है बलपूर्वक विस्थापन, जबरदस्ती उन्हें हटाया गया, तो 70.8 मिलियन, 62.7 मिलियन, 78.2 मिलियन या 82.1 मिलियन, इन चारों में से कोई एक सही होगा। और वो सही आंसर है 70.8 मिलियन। कितना? 70.8 मिलियन। इतने लोग जबरदस्ती, ब्रह्म आपके उसमें रोहिंग्या वगैरह भी आएंगे, ठीक। यस, माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन मेरा मिशन है, यह किसकी आत्मकथा है? बहुत सिंपल सा सवाल है, आजकल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पुस्तकों को फोकस किया जा रहा है, लगातार हम लोग MTS वगैरह के जो करा रहे सोल्यूशन उसमें भी पुस्तकें आ रही हैं। यह व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि पाया हुआ है और एक जो है महापुरुष की हैसियत में आने की कंडीशन में बनता जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है जिसने पतंजलि के योग को दुनिया को सीखने के लिए प्रेरित किया, उस व्यक्ति का नाम है बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।